निर्भर भारत के लिए पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि अमृत काल से शताब्दी काल का सफर भारत का निश्चित रूप से एक विकसित भारत का रूप धारण करे, वो इस बजट का मुख्य अंश है। हर एक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, ग्रामीण विकास हो, अधोसंरचना हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और भविष्य के भी जो रिफॉर्म्स हमें लाने हैं, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस विकास के पथ पे चलेगा। शेयर बाजार में देखिए, बीएसई सेंसेक्स एक कंटिन्यूम है। अगर आप देखेंगे कि पिछले साल से आज तक 20,000 पॉइंट्स ऊपर बाजार चला गया है। हमारी आर्थिक विकास 8.2% तक पहुंची है, जो विश्व में एक रिकॉर्ड धारण किया है। भारत की विकास और प्रगति, जहां एक तरफ आर्थिक विकास बढ़ रही है, वहां महंगाई पूरे विश्व से सबसे कम है। हर एक क्षेत्र में अधोसंरचना में बढ़ोतरी हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 9.5 लाख करोड़ पिछले वर्ष था, 11.11 लाख करोड़ इस वर्ष का आकलन है। हमारी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी आज बन रही है, जो एक शुभ संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।